मोदी जी ने एक नंबर जो है जारी किया है, जिसको आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसे सेव करके वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आपको कुछ चीज़ जाननी है, तो आप वहाँ पर जो है मैसेज डाल सकते हैं। और अभी के लिए तो ये मैं कहूँगा कि इमरजेंसी नंबर है, आप इसे सेव करके जो है सारे निर्देशों को फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या निर्देश दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए कि हमारी जंग चल रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, तो दोस्तों हम जो है अपने चैनल पर भी इसी के रिगार्डिंग आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने जो है वीडियोज़ देखी होंगी, अगर आपने जो है लाइव मोदी जी को सुना होगा, तो कल मोदी जी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है लोगों से बात कर रहे थे, उनके विचार सुन रहे थे, अपने विचार शेयर कर रहे थे वाराणसी में। और हम वाराणसी के जो है थ्रू वो जो है पूरे देश को एड्रेस कर रहे थे। तो दोस्तों उस में मोदी जी ने एक नंबर जो है जारी किया है, जिसको आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसे सेव करके वहां पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आपको कुछ चीज जाननी है, तो आप वहां पर जो है मैसेज डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर यह छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि मेरे चैनल के थ्रू भी जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिल सके। तो दोस्तों वो नंबर व्हाट्सएप का मैं आपको बता रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा, आप उसे नोटिस कर लीजिए। दोस्तों वो नंबर है 9013151515। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर है, इसे आप सेव कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यार यंग जनरेशन में तो कौन ऐसा होगा जो व्हाट्सएप यूज़ ना कर रहा हो, तो आप इसे सेव कर लीजिए। ये जो है मोदी जी ने खुद जो है नंबर दिया है, और ये गवर्नमेंट द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है व्हाट्सएप नंबर, जिसमें मोदी जी ने बताया कि व्हाट्सएप वालों से उनकी बातें हुई हैं, और जिसके थ्रू मतलब हम ये नंबर जो है जारी कर रहे हैं, जिस पे मैसेज करके आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, और इस नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है, कितने कंफर्म केस हैं, क्या है, आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है, आपको लग रहा है कि आपको भी कोई लक्षण तो नहीं है, उसकी भी जांच के लिए आप क्या निर्देश हैं सरकार के, वो सारी चीजें आप इस नंबर के थ्रू जान सकते हैं। तो दोस्तों कितना अच्छा जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि एक नंबर जारी कर दिया है, आप इसे सेव कर लीजिए। आप इसे कोरोना अलर्ट के नाम से, मैं कहूंगा कोरोना अलर्ट के नाम से आप इसे सेव कीजिए। और दोस्तों आप जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी अपडेशन है उनको लेकर अपडेट रहिए इस नंबर के थ्रू। तो इस नंबर को जरूर सेव कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और अभी के लिए तो ये मैं कहूंगा कि इमरजेंसी नंबर है। आप इसे सेव करके जो है सारे निर्देशों को फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या निर्देश दे रही है, क्या रूल रेगुलेशन निकल रहे हैं, क्या हमको फॉलो करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजें जो है आप जान सकते हैं इस नंबर के थ्रू। तो इस नंबर को सेव कीजिए दोस्तों, और अपने परिवार वालों को भी सेफ रखिए, बाहर जाने से बचिए। बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, इमरजेंसी की कोई सिचुएशन है तो उस वाली कंडीशन में आप जो है बाहर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए, और ये नंबर को स्टार्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कोरोना अलर्ट करके आप जो है अपडेट रहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल का जो गोल है इस टाइम, वो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ना। जी हाँ दोस्तों, आप जो है साथ बने रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जैसे ही कोई भी अपडेशन आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। आप इस नंबर को अभी फिलहाल सेव कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहें कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी अपडेशन से जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाएगी या की जा रही है, या क्या है क्या नहीं, आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ये नंबर सेव कीजिए दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम जो हैं ना सिर्फ अपना भला करें, बल्कि दूसरों का भी भला करें। वीडियो आप इसको शेयर करेंगे तो उनका भी भला होगा, उनको भी ये नंबर पता लगेगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेशन को लेकर। जल्दी ही जो है मैं आपको अपडेट करूंगा, और अपडेट करता रहूंगा वीडियोस के रिगार्डिंग। दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।